एनटीटी जैसी जमात जो दुनिया की सबसे कमिटेड जमात थी, जिसके पास नए से नए हथियार थे, नेवी थी, जहाज था, 10 मुल्कों की सपोर्ट थी, वो एलटीटी देश से अलग नहीं हो पाई, बर्बाद हो गई। तो ये 300 लड़के हैं, ये क्या कर लेंगे? मैंने उनको कहा कि तुम हथियार रख के मेरे घर आओ खाना खाने, मैं तुम्हें सेफ पैसेज की गारंटी देता हूं, तुम मुझे कन्विंस करो कि हथियार से हिंदुस्तान से क्या ले लोगे। कुछ नहीं लिया जा सकता है। अब पहले तो सपना दिखाया अलग देश का, वो संभव नहीं था, फिर ऑटोनॉमी का, ऑटोनॉमी में बहुत चीजें आपके पास हैं, और अब बच्चों को जो खराब किया जा रहा है, वो जो सऊदी अरब का रुपए आ रहा है, उससे मौलवी उनको जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, जन्नत का जो मामला है वो आपके धार्मिक अकीदे का मामला है, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं है कि साहब मरने के बाद किसको क्या मिलता है, तो पता चलता नहीं है। मैं तुम्हें मरने से पहले जन्नत दे रहा हूं, जहां मेरा घर है, गवर्नर हाउस है, वहां जहांगीर कभी घोड़े से उतरा था, और उतर के उसने फारसी में कहा था कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। तो वो तुम्हारा है, ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है, तुम उसको लो। जो जीती जागती जन्नत है उसे छोड़ के उस जन्नत के लिए मर रहे हो, जिसकी गारंटी नहीं है, जो किसी ने देखी नहीं है।